दोस्तों बिग बॉस ओटीटी वीकेंड का वार यहाँ पे दोस्तों कुछ कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे और यहाँ पे वीकेंड का वार से बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दोस्तों 7 कंटेस्टेंट अभी भी घर के अंदर थे जिनमें से सिर्फ 2 कंटेस्टेंट इस वीक सेफ थे, जहाँ पर एक थे निशांत भट्ट और दूसरे थे राकेश बापट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि वीकेंड का वार कुछ खास नहीं रहा आज भी, और हमेशा की तरह इस बार के वीकेंड के वार पे भी वही हुआ। ज़्यादा लोग कुछ लोगों को फेवर किया गया, कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिला बोलने का, तो काफ़ी अजीब वीकेंड का वार चल रहा है यहाँ पे। और आप लोगों को ये वाला वीकेंड का वार एक बार और नेक्स्ट वीक भी झेलना है जो कि फिनाले होगा, उसके बाद आपको बिग बॉस 15 में देखने को मिलने वाला है। फिर से आपको वीकेंड का वार का जो असली मज़ा है वो आपको वहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों आपको फिलहाल बता दूँ कि जो नॉमिनेशन हुए थे उसके हिसाब से एविक्शन के क्या अपडेट है। दोस्तों यहाँ पे वीकेंड का वार पे करण जौहर ने तो साफ साफ कह दिया कि 2 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले ही वोटिंग ट्रेंड में आप लोगों को काफ़ी चीज़ से मालूम चल गया होगा कि वोटिंग ट्रेंड में लास्ट में कौन थे। सबसे लास्ट नेहा वसीम थे, सरप्राइजिंगली उनको सबसे कम वोट मिले थे और उनसे एक ऊपर थी मुसे जटाना। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूँ कि मुसे जटाना का एविक्शन हो चुका है, और यहाँ पे क्योंकि डबल एविक्शन के लिए अनाउंसमेंट किया गया था तो नेहा वसीम भी एविक्ट होंगी, लेकिन जैसा मुझे लगता है अभी तक उनको एविक्ट नहीं किया गया, क्लियर नहीं किया गया, वहाँ से सीन को कट कर दिया गया था, तो शायद वो बेघर होने से बच भी सकती है क्योंकि फिर कंटेंट देने वाला घर के अंदर कोई नहीं रहेगा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बॉलीवुड को देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसा।